सभी दोस्तों को जय हिंद, वंदे मातरम। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे सीआईएसएफ फायरमैन को लेकर कि इसका एग्जाम कब होगा। सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा, क्योंकि काफी भाई परेशान हैं कि इसका यहां पर एग्जाम नहीं हुआ लेकिन फिजिकल इसका हो चुका है। एग्जाम कब होगा, एग्जाम ऑनलाइन माध्यम से होगा या फिर ऑफलाइन माध्यम से होगा, नेगेटिव मार्किंग है या फिर नहीं है, सिलेबस क्या है, एग्जाम को पास कैसे करें, ये सारी जानकारी इस वीडियो में हम आप सभी को देने वाले हैं। तो ये जानकारी जो है आप सबको जान लेना भी काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव है, तो आप सभी वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिएगा। सबसे पहले तो मैं इस वीडियो में बात करूंगा कि जो सीआईएसएफ और यहां पे आया था फायरमैन की वैकेंसी, उसमें 1149 पोस्ट निकल के आई हुई थी। तो यहां पे स्टेट वाइज वैकेंसी है, तो इसका मतलब साफ साफ होता है कि स्टेट वाइज यहां पे कट ऑफ भी तैयार की जाएगी। ठीक है, फिलहाल आपके स्टेट में कितनी वैकेंसी है इसकी मैं वीडियो जल्दी लेकर आऊंगा, इसलिए आप सभी बिल्कुल शांति व्यवस्था बनाए रखिए, क्योंकि आप सबको यहां पे अब एग्जाम देना है और एग्जाम देने के लिए आप सबको तैयारी बहुत ही जबरदस्त करनी है। ठीक है, बड़ी बात यह है कि आप तैयारी में जुड़ जाइए, क्योंकि मैं सीआईएसएफ फायरमैन की वीडियो काफी दिन से नहीं बना रहा था, लेकिन मुझे अभी बनाना पड़ रहा है क्योंकि अपडेट आया भाई, मुझे बनाना पड़ेगा ही पड़ेगा। ठीक है, अब बड़ी बात यहां पर यह है कि आप सभी यहां पर एग्जाम सिलेबस के बारे में पहले जान लीजिए। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, ऑनलाइन होगा एग्जाम या फिर ऑफलाइन होगा, ये बड़ी बात है। सबसे पहले तो मैं इस वीडियो में आप सबको बताना चाहता हूं कि आपका जो सीआईएसएफ फायरमैन का एग्जाम होने वाला है वो ऑनलाइन माध्यम से होगा। ठीक है, कब होगा, ऑनलाइन माध्यम से आपका एग्जाम होगा, मतलब आप सभी का यहां पे सीबीटी होने वाला है, कंप्यूटर बेसिक टेस्ट। ठीक है, और बात रही निगेटिव मार्किंग की, तो निगेटिव मार्किंग आपका नहीं रहेगा, निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा, और टोटल आपका यहां पे 100 क्वेश्चन आएगा और 100 नंबर का रहने वाला है, एक क्वेश्चन एक नंबर का रहेगा, और मल्टीपल चॉइस के ऑब्जेक्टिव टाइप का सभी क्वेश्चन आएंगे, मतलब यहां पे क्वेश्चन रहेगा, चार विकल्प दिए रहेंगे, आपको एक विकल्प यहां पे चूज करना पड़ेगा। इस प्रकार से यहां पे आपका सीबीटी होने वाला है। ठीक है, उसी प्रकार से बता दें आप सभी के जो एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, जो आपका फिजिक्स केमिस्ट्री आएगा, फिजिक्स केमिस्ट्री वो आपका 12th लेवल का आएगा, बाकी की चीजें आपके 10th लेवल की यहां पे पूछी जाएंगी। ठीक है, जो फिजिक्स केमिस्ट्री है वो आपका यहां पे आएगा 12th लेवल का। अभी बड़ी बात यहां पर ये है कि हमको ये बताइए कि एग्जाम का सिलेबस क्या है। तो देखिए मेरे दोस्त, आपका यहां पे आने वाला है जीके, जो कि 25 क्वेश्चन रहेगा 25 नंबर का। ठीक है, मैथ आने वाला है जो कि 25 क्वेश्चन रहेगा 25 नंबर का, और रीजनिंग आने वाला है 25 क्वेश्चन रहेगा 25 नंबर का, और हिंदी या इंग्लिश में से आपको चूज करना पड़ेगा सब्जेक्ट, वो भी आपका आएगा यहां पर 25 क्वेश्चन आएगा 25 नंबर का, एक क्वेश्चन एक नंबर का रहने वाला है, 100 क्वेश्चन 100 नंबर का हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम आपका यहाँ पे ऑनलाइन माध्यम से होगा, मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, तो अभी आप सभी यहाँ पर तैयारी को अच्छे से करना स्टार्ट कर दीजिए। अब बड़ी बात यहां पर यह है कि ये चलो ये बात तो हो गई, अब बताइए एग्जाम को कैसे पास करेंगे, मतलब क्या हमको पढ़ना चाहिए। तो देखिए, अभी आपको यहाँ पे फोकस करना है मैथ पर, और साथ ही बात करें रीजनिंग पर, इन दो सब्जेक्ट पर आपको विशेष फोकस करना है, क्योंकि ये सब्जेक्ट जो है याद करने वाला है नहीं, प्रैक्टिस करने वाली चीज है। अगर आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपके अंदर यहाँ पे मजबूती आएगी, उतना जल्दी आप सभी एग्जाम को में इसको हल कर जाएंगे। ठीक है, अब बात आती है एग्जाम कौन कंपनी कराएगी। एग्जाम जो है मेरे दोस्त, तो आपका ऑफलाइन माध्यम से होगा, और आपका एग्जाम जो है टीसीएस कंडक्ट करवाने वाली है। ठीक है, कौन कराएगा, टीसीएस कंडक्ट करवाएगी, और टीसीएस वही कंपनी है जिसका सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल का एग्जाम कंडक्ट करवाई थी, बीएसएफ हेड कांस्टेबल का एग्जाम टीसीएस ही कंडक्ट करवाई थी। उसी प्रकार से बता दें आप सभी को, तो सीआरपीएफ टेस्टमैन का भी एग्जाम टीसीएस ही कंडक्ट करवा रही है, तो इसी प्रकार से आपका फायरमैन का भी एग्जाम टीसीएस ही कंडक्ट करवाएगी। ठीक है, तो इसलिए आपको परेशान नहीं होना है। भर्ती में अगर आपने ऑनलाइन आवेदन कर दिया था, अभी आपको यहां पर केवल और केवल तैयारी करना है। बात रही एग्जाम को लेकर, तो एग्जाम की जानकारी भी मैं आपको बता दूं कि आपका इसी मंथ, कौन सा मंथ चल रहा, जुलाई का, जुलाई के लास्ट वीक में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, बड़ी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। जुलाई के लास्ट वीक तक आप सभी का, डायरेक्ट बात करें तो एडमिट कार्ड आने की पूरी पूरी संभावना है। अगर विवाह में सब कुछ ठीक रहा तो आपका इसी जुलाई, इसी मंथ में, जुलाई के लास्ट वीक में आप सभी का एडमिट कार्ड आ सकता है। मुझे अभी कोई एक्चुअल डेट नहीं पता है कि हाँ इसी डेट पर आएगी, नहीं तो मैं आपको डेट भी बता देता, लेकिन इतना इन्फॉर्मेशन मिली है अभी अभी हमको कि यहाँ पे जुलाई के लास्ट वीक में आप सभी का एडमिट कार्ड आ जाएगा, और एग्जाम जो है आप सभी का वो नेक्स्ट मंथ यानी अगस्त के फर्स्ट वीक से आपका स्टार्ट होने की संभावना है। लेकिन अगर आपका एक बार एडमिट कार्ड आ गया तो एग्जाम होगा ही होगा, ये तो सबको पता है। तो इसलिए आप सभी यहाँ पर केवल और केवल तैयारी करिए, जुलाई के लास्ट वीक आपका पार नहीं जाने वाला है, इसी में ही आपका एग्जाम यहाँ पे एडमिट कार्ड एग्जाम का जारी हो सकता है। तो अगर आपको वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो और आप सभी चाहते हैं कि आगे के भी इन्फॉर्मेशन आपको इसी तरीके से मिलते रहें, तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, या फिर आप सभी व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। आपके ऊपर डिपेंड करता है जो भी आप सभी करना चाहते हो, क्योंकि आपको उसमें भी अपडेट किया जाता है। अगर कोई भी भर्ती आती है, कोई एडमिट कार्ड जारी होता है या किसी का रिजल्ट आता है, तो सारी चीज़ें आपको उसमें अपडेट की जाती है। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।